नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे की खबर लगातार सुनने को मिल रही थी और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और बुधवार को उन्होंने ट्विटर के जरिए 4 पन्ने की चिट्ठी पोस्ट की, फिर अपना प्रोफाइल अपडेट कर कांग्रेस अध्यक्ष की जगह कांग्रेस सदस्य कर दिया। आपको बता दें, इससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा व खेल कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने राहुल गांधी के इस्तीफे में ज्यादा कुछ ना कहते हुए वे बचते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि हमारे नेता हैं, उन्होंने हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात राहुल गांधी तक पहुँचा दी है। ये कांग्रेस की मैं यही कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं और हमारी बात को ले जाके वहाँ जा चुके हैं, हम सब की बात हो रही है। राजनीति के जानकार इससे कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार की तस्वीर बदलने का इशारा बता रहे हैं। वहीं राहुल के इस्तीफे से पार्टी संगठन में बदलाव होगा ही। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। राज्यों में खराब प्रदर्शन की गाज मुख्यमंत्री पर भी गिरना तय मानी जा रही है। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता वानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।